हाय दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करूंगा 2BHK का रीसेल का प्रॉपर्टी है, ये प्रोजेक्ट है क्लस्टर वन, ये पूनम स्टेट क्लस्टर वन पूरा नाम है। USD डेवलपर है, यूनिक शांति डेवलपर, यही डेवलपर के द्वारा ये डेवलप किया हुआ है। आज इसी क्लस्टर वन के बारे में बात करेंगे इस पूरे वीडियो में। मैं विकास परनवाल, चैनल पार्टनर ऑफ बिल्डर, एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ हमारे इस यूट्यूब चैनल प्रॉपर्टी प्लाजा विकास परनवाल में। इस प्रोजेक्ट में एमिनिटीज बहुत खूबसूरत है, साथ ही साथ स्टेक पार्किंग है इसमें, और बिल्डिंग का एलिवेशन प्राइम लोकेशन बालाजी होटल के पास बिल्कुल बना हुआ है। आइए पहले प्रॉपर्टी देखते हैं लाइव, किस टाइप का बना हुआ है और जो फ्लैट सेल करना है वो कैसा है, उसके बाद फिर मैं प्राइसिंग, साइजिंग, कनेक्टिविटी, फैसिलिटीज की बात करूंगा। आइए देखते हैं पहले ये फ्लैट किस टाइप का है। हाय दोस्तों, आज जो मैं फ्लैट दिखा रहा हूँ आपको इस वीडियो में, ये 2BHK की प्रॉपर्टी है क्लस्टर वन, ये पूनम स्टेट क्लस्टर। USD डेवलपर हैं और काफ़ी इनका अपने आप में एक रेपुटेशन है, मेजर रोड में काफ़ी सारा प्रोजेक्ट उन्होंने बनाया है। ये जो क्लस्टर वन का मैं आपको दिखा रहा हूँ, काफ़ी कुछ काम किया हुआ है यहाँ पर, आप देख सकते हैं L टाइप में। सबसे बड़ा जो साइज का 2BHK है ना, वो ये है। इसमें दो तीन टाइप के अलग अलग साइज है 2BHK का, ये सबसे बड़ा साइज है, जिसमें आपको मैं पीछे दिखाता हूँ। इसका डाइनिंग का स्पेस ही काफ़ी स्पेशियस दिया हुआ है, और ये इसका ओपन व्यू है, वेस्ट साइड का आपको व्यू मिलता है। ये मैं विंडो के साइड से आपको लिविंग डाइनिंग का एरिया दिखा रहा हूँ, ये लिविंग है और डाइनिंग का एरिया इसका काफ़ी बढ़िया है। ये फॉल सीलिंग, झूमर्स, लाइट्स, फैंस, ये सब काफ़ी डेकोरेटिव तरीके से लगा हुआ है। ये एजिटीज आपको मिलने वाला है, जो आप फ्लैट देख रहे हैं एजिटीज आपको मिलने वाला है। इसका डाइनिंग एरिया भी हॉल के बराबर का स्पेसियस है। अभी मैं आपको किचन दिखाता हूँ, फुल्ली इक्विपमेंट्स किचन बना हुआ है। ये इसका मॉड्यूलर किचन है, अपर कैबिनेट्स हैं और वाटर टैंक का स्पेस, साथ ही साथ ये कैबिनेट्स क्रॉकरी के लिए बना हुआ है, अपर स्टोरेज बना हुआ है, और अंदर ये वॉशिंग मशीन का स्पेस दिया हुआ है, और बाहर एक छोटी सी बालकनी दी हुई है। ये सब कुछ यहाँ पे आपको मिल रहा है, आप यहाँ पे भी चाहे तो वॉशिंग मशीन रख सकते हैं, उसके लिए प्रोविज़न दिया हुआ है। ये इसका किचन का एरिया है, किचन भी पूरा बना हुआ है, यहाँ पे भी कुछ भी आपको खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये बिल्डिंग क्लस्टर वन 18 माले का बिल्डिंग है, क्लस्टर टू भी 18 माले का ही है, 3 भी 18 माले का ही है, तो 3 टावर ऑलमोस्ट इसमें 6 टावर ये बनाने वाले हैं। ये इसका कॉमन वॉशरूम है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, काफ़ी बढ़िया स्पेसियस इन्होंने बनाया है। और ये जो फ्लैट है, ये 650 प्लस कारपेट है, ये 650 से भी बड़ा कारपेट एरिया है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये साइज़ वैसे भी आप फ्लैट देख के भी एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या साइज़ होगा इस फ्लैट का। ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये इसका कॉमन बेडरूम है, कॉमन बेडरूम में भी इसमें करीबन 2 से 3 फुट का बालकनी दिया हुआ है, और बालकनी मास्टर बेडरूम से भी अटैच्ड है, यानी बड़ी बालकनी दिया हुआ है। इसमें भी आप अपर कैबिनेट्स बना हुआ है, ऊपर स्टोरेज के लिए फर्नीचर आप देख सकते हैं, ये आपको बना बनाया मिल रहा है। ये एज इट इज़ रहने वाला है, ये निकाल के ये नहीं लेके जाएंगे। बिल्डिंग का CC, OC, BMC, वाटर वगैरह सब कुछ आया हुआ है। टाइटल के हिसाब से एकदम क्लियर टाइटल प्रोजेक्ट है ये। ये मैं मास्टर बेडरूम का वॉशरूम दिखा रहा हूँ आपको, मास्टर बेडरूम में एंट्री करते ही आपको जो वॉशरूम का स्पेस आप समझ लें, उसके बाद फिर मैं अंदर बेडरूम दिखाता हूँ किस टाइप का है। बेडरूम भी इसका, इवन जो सबसे बड़ा एरिया है ना, 650 कारपेट एरिया, आप समझ सकते हैं कितना हो सकता है। जनरली 500-600 में फ्लैट 2BHK बन जाता है। प्राइस इसमें मेरे पास 3 से 4 फ्लैट है सेल करने के लिए, और ये भी आप देखिए, आपको वेस्ट ओपन का व्यू मिलता है, रोड व्यू मिलता है, और इसमें 90 लाख में, 95 लाख में, 1 CR में,
89 में ऐसा मेरे पास 4 से 5 फ्लैट हैं इसमें सेल करने के लिए। ये जो फ्लैट है ना इसको 95 लाख में सेल करना है, 95 लाख में बेचना है। एज इट इज़ किचन में जो फर्नीचर है और साथ ही साथ ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये वार्डरोब पूरा का पूरा फिक्स बना हुआ है, सप्लाई में बनाया हुआ है, तो इसकी भी अपने आप में स्ट्रेंथ है। नीचे भी गार्डन बना हुआ है इसका, बहुत ही ब्यूटीफुल, बच्चों को खेलने के लिए किड्स एरिया बना हुआ है। और भी डिटेल मैं डाल दूंगा इसका डिस्क्रिप्शन में, प्राइस साइज़ वगैरह, तो वहाँ से देख के भी आप हमें फ़ोन कर सकते हैं प्रॉपर्टी परचेस करने के लिए। मैं पैसेज एरिया दिखा रहा हूँ आपको, जिसका पैसेज है और पैसेज, लिफ्ट और स्टेयरकेस, ये इसका स्टेयरकेस एरिया है। और ये आप लिफ्ट देख सकते हैं, इसमें एंट्रेंस, लॉबी, मेन एंट्रेंस, ये सब मैं इस वीडियो के बाद आपको दिखाता हूँ दोस्तों। शांति चौक और बालाजी होटल बिल्कुल सामने ही है क्लस्टर 1 का, और यहीं से आप इसका देख सकते हैं ये मेन एंट्रेंस है और नीचे सारा इसका शॉपिंग एरिया है। ये कुछ बड़े बड़े स्टोर्स यहाँ पे डाला, इनका एलिवेशन बहुत खूबसूरत है, आप देख सकते हैं इसका एलिवेशन। क्लस्टर 2 और क्लस्टर 1 के बीच का रोड है, बैक साइड का जो इसका एंट्री है ना क्लस्टर का, तो आपको दिखा रहा हूँ। अभी मैं फ्रंट साइड का एंट्री आपको दिखाता हूँ, नीचे ही आपको पूरा रेजिडेंशियल, ये रोड सीधा सीधा हाईवे जा रहा है, ये आप देख रहे हैं। आगे से मैं आपको फ्रंट साइड से दिखाता हूँ, नीचे सारे शॉपिंग हैं छोटे मोटे के लिए, वो देख लें। ये बिल्डिंग का एलिवेशन है जो 18 टावर है वो मैं आपको, अठारह माले के बिल्डिंग के जो इसका एलिवेशन है ना वो इस टाइप का है, बाहर से भी बहुत खूबसूरत दिखता है ये, और बिल्कुल मेन रोड पे बालाजी होटल के सामने ही ये बना हुआ है। ये क्लस्टर 1 का मेन एंट्रेंस है, मैं आपको एंट्रेंस लॉबी है हर एक विंग का, ये आप देख सकते हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये एंट्रेंस लॉबी, नीचे से इसका लिफ्ट एरिया, ये इसका स्टेयरकेस है, और बहुत ही बढ़िया डेकोरेटिव, यूएसडी वाले का तो कुछ कहना ही नहीं, इन सब चीज़ों में किसी भी कुछ भी ये कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं क्वालिटी और डिज़ाइन में। एंगल से आपको पूरा का पूरा इसका कॉम्प्लेक्स का व्यू दिखा रहा हूँ, ये आप देख लें पार्किंग एरिया है इसका, इसका पोडियम पे सारी एमिनिटीज़ है वो आप देख सकते हैं, मैं आपको पोडियम पे जाके एमिनिटीज़ दिखाता हूँ किस टाइप का है। पूरा एमिनिटीज़ का पोडियम के ऊपर बना हुआ है, और अंदर बड़ा सा पोडियम पार्किंग इसका ग्राउंड लेवल पे, और आप देख सकते हैं ये पजल पार्किंग, थ्री लेवल का पजल पार्किंग पूरे में बना हुआ है, देख सकते हैं कई लेयर्स में इन्होंने बनाया है, और काफ़ी बड़ा इनका एरिया है प्रॉपरली। अभी ये नीचे के जब आप ऊपर आते हो ना तो ऊपर आपको सारी एमिनिटीज़ मिलता है जो बच्चों को खेलने का है, ग्रीनरी एरिया है, साथ ही साथ गार्डन है, आपको मैं आगे दिखाता हूँ कितना बड़ा इन्होंने डेवलपमेंट किया है। साथ ही साथ इसके जस्ट नीचे दो लेवल पार्किंग है इसका, एक ग्राउंड लेवल है, और साथ ही साथ नीचे पजल पार्किंग का पूरा प्रोविज़न किया हुआ है। इसमें मेरे पास काफ़ी सस्ते और अच्छे फ्लैट्स भी हैं, 1 BHK है, 2 BHK है, 3 BHK की प्रॉपर्टी भी है, क्लस्टर 2 और 3 में हमारे पास 3 BHK, इसमें आपको 1.25-1.30 फुली फर्निश्ड अगर है तो 135-140 तक आपको मिल जाता है।
ये इसका पूरा का पूरा एमिनिटीज फ्लोर है। अभी जो मैंने आपको क्लस्टर वन का 2 BHK का प्रॉपर्टी दिखाया है उसका डिटेल मैं आपको बता दूं कि रीसेल का फ्लैट है। लोकेशन ये बालाजी होटल के पास शांति गार्डन से पहले शांति पार्क का एरिया आता है। इसका पूनम स्टेट क्लस्टर USD डेवलपर द्वारा ये डेवलप किया हुआ है। और प्रोजेक्ट बता दूं 18 माले का बिल्डिंग है ये, 18th स्टोरी टावर है, 6 विंग की पूरी सोसाइटी है ये। हर एक फ्लोर पे 6 फ्लैट, 2 हाई स्पीड लिफ्ट और 2 स्टेयरकेस है इसमें। फर्निश्ड फ्लैट है जो आपने देखा है और फ्लोर इसका हायर फ्लोर है, वहां से व्यू देखते ही आप समझ ही गए हैं। बिल्डिंग का जो एज है वो कुछ 6-7 साल के अंदर का ही बिल्डिंग है, ये नई बिल्डिंग है। OC इसका आ चुका है, CC पूरे बिल्डिंग का है, BMC वाटर गैस पाइपलाइन ये सब कुछ आ चुका है। इसमें सिटी व्यू फ्लैट है ये, मेरे पास बैक साइड गार्डन व्यू भी फ्लैट है इसमें, इसके साथ एक कवर्ड पार्किंग भी है। सभी बैंकों से, किसी भी बैंक से आप लोन लेना चाहें इजिली आपको लोन मिल जाएगा, बैंक से अप्रूव्ड है ये पूरा बिल्डिंग। कॉन्फ़िगरेशन 2 BHK है और इसमें इसका जो कार्पेट एरिया है वो 650 स्क्वायर फुट कार्पेट एरिया है। और इसमें कई तरह के फ्लैट हैं, 700 का कार्पेट भी है, 750 कार्पेट भी है। ये जो कार्पेट एरिया है लगभग 700 स्क्वायर फुट आसपास कार्पेट एरिया है, जिसकी प्राइस 1 करोड़ रुपया नेगोशिएबल प्राइस है। इसमें मेरे पास 90 लाख में, 95 लाख में, 1 करोड़ में अलग अलग फ्लोर पे मेरे पास 2 BHK अवेलेबल है सेल करने के लिए। इसमें रेंज यही चलता है 90 लाख से 1 करोड़ के बीच में आपको 2 BHK मिल जाता है दोस्तों। एमिनिटीज तो इसमें आप देख ही चुके हैं, नीचे इसमें कुछ टेक पार्किंग है, ऊपर पूरा इसका किड्स प्ले एरिया, ओपन जिम, सीनियर सिटीजन एरिया, इंडोर गेम्स, जॉगिंग ट्रैक वगैरह इसमें बना हुआ है। कनेक्टिविटी की बात करूं, यहाँ पे 2 से 10 मिनट के अंदर आप ब्राइट इंटरनेशनल स्कूल, सेंट एंड्रयू कॉन्वेंट इंग्लिश स्कूल, डॉन बॉस्को हाई स्कूल, KS मेहता कॉलेज, कनकिया पुलिस स्टेशन, रिद्धि सिद्धि हॉस्पिटल, खुशी फैमिली रेस्टोरेंट, शाही रेस्टोरेंट, स्टार मार्केट, वर्धमान फैंटासी, DCB बैंक, यस बैंक, एक्सिस बैंक, मंदिर, चर्च, वेजिटेबल मार्केट, केमिस्ट, बस स्टॉप, ये सब 2 से 10 मिनट के वॉकिंग और ट्रेवलिंग डिस्टेंस पे है। 10 से 30 मिनट के अंदर आप अभिनव कॉलेज, रॉयल कॉलेज ऑफ आर्ट साइंस एंड कॉमर्स, डी मार्ट, फाउंटेन होटल, दारा स्टाबा, एनॉक्स, ठाकुर मॉल, मैक्सेस मॉल, ग्रोवन 101 मॉल, नेशनल पार्क, गुरबंदर रोड, SL वर्ल्ड, जिसमें बड़े बड़े जो फैक्ट्री के आउटलेट्स हैं जो ब्रांड के, जिसमें पुमा, एडिडास, नाइकी, स्केचर, टी कैथलॉन, रिबॉक, वाटर किंगडम, ग्लोबल, विपश्यना, पेगोडा, कुराई बीच, बिलंकनी बीच, ये सब मैंने आपको बताया है 10 से 30 मिनट के ट्रैवलिंग डिस्टेंस पे। अब कुछ मुंबई के जो फेमस चीजें हैं वो हम समझ लेते हैं, जिसमें आधे घंटे पौने घंटे के अंदर आप इंटरनेशनल एयरपोर्ट, डोमेस्टिक एयरपोर्ट, सिद्धिविनायक मंदिर, हाजी अली दरगाह, माउंट मेरी चर्च, बेंडावरली सी लिंक, महालक्ष्मी मंदिर, बरसवा बीच, बनखड़े स्टेडियम, जूहू बीच, अंधेरी, लिमिटेड मार्केट, क्रॉफर्ड मार्केट, मरीन ड्राइव, गिरगांव चौपाटी, ताज होटल, गेटवे ऑफ इंडिया, कोलाबा, एलिफेंटा केव्स, ये सब आप रीच कर जाते हैं 1 से 2 घंटे के अंदर। ये तो मैंने प्रोजेक्ट का आपको डिटेल बताया है। आगे आप हमारे सर्विसेज में समझ लें कि क्या क्या सर्विसेज के जरिए हम अपने कस्टमर्स को सस्ते में प्रॉपर्टी प्रोवाइड करते हैं दोस्तों। हमारे सर्विसेज की बात करूं तो हम लोग प्रॉपर्टी के साथ साथ होम लोन में भी डील करते हैं, होम लोन भी दिलाने में पूरी हेल्प करते हैं। आप हमसे प्रॉपर्टी परचेस करते हैं तो आप जिस भी बैंक से लोन लेना चाहें, हमारे सारे बैंकों से टाइप है, हमारे पर्सन आपके डोर टू डोर सर्विसेज देते हैं। आपको अगर लोन भी लेना है तो हम आपको डोर टू डोर सर्विसेज, डॉक्यूमेंटेशन रिसीव करेंगे, आपका लोन का पूरा काम करवा के देंगे, उसका कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है दोस्तों। अब मेरे पर्सन आएंगे, सारा काम आपको घर बैठे करके देंगे। साथ ही साथ हम लोग न्यू लॉन्चिंग बैंक ऑक्शन प्रॉपर्टी, अर्जेंट सेल की प्रॉपर्टी, अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में भी डील करते हैं। बैंक ऑक्शन की प्रॉपर्टी जो हमारे पास आती है, कभी कभी सीधे सीधे 40-50% डिस्काउंट पे भी आती है। ऐसा हमने काफ़ी लोगों को प्रॉपर्टी दिलाया है। जिस तरह आप ये वीडियो हमारा देख रहे हैं, उस तरह हजारों लाखों लोग हमारा ये वीडियो देखते हैं। अगर उन्हें कोई अर्जेंट सेल में प्रॉपर्टी सेल करना रहता है, 2 BHK, 3 BHK, 4 BHK, जिस टाइप की प्रॉपर्टी हो, किसी भी लोकेशन में हो, वेस्टर्न लाइन में या हार्बर लाइन में, तो वो हमें कॉल करते हैं कि भाई हमारा प्रॉपर्टी सेल करना है और क्योंकि हमें पैसे की बहुत ज़रूरत है। हम पहले उनको देख लेते हैं, अगर प्राइस रीजनेबल रहता है, प्रॉपर प्राइस रहता है, तो हम उनको प्रमोट करके सेल भी कर देते हैं। ऐसे हमारे पास कभी फ़ायदे में भी प्रॉपर्टी आती है जो हमें बेचना होता है तो हम सेल करते हैं, और ऐसे प्रॉपर्टीज़ को सबसे पहले हम अपने यूट्यूब चैनल्स पे डालते हैं ताकि हमारे व्यूअर्स को, हमारे कस्टमर्स को, हमारे बायर्स को जल्द से जल्द उसका बेनिफिट हो सके दोस्तों। बैंक ऑक्शन की प्रॉपर्टी जब हमारे पास आती है 30-40% 50% डिस्काउंट पे, तो ऐसे जो फ़ायदे वाली प्रॉपर्टी होती है, यानी जो बेनिफिट वाली प्रॉपर्टी होती है, बिल्डर जब कोई प्रॉपर्टी लॉन्च करते हैं तो उस टाइम एक अच्छा खासा उनका डिस्काउंट रहता है। कभी कभी तो रजिस्ट्रेशन स्टाम्प ड्यूटी डिस्काउंट रहता है, कभी GST डिस्काउंट रहता है, कभी फ्लोराइज नहीं रहता, तो कभी PLC नहीं रहता। ऐसे कुछ ना कुछ उनके ऑफर्स चलते हैं जब वो लॉन्च करते हैं, अच्छा खासा उनका एक डिस्काउंट प्राइस होता है, बिकॉज स्टार्टिंग में उनको बेस बनाने के लिए पैसों की बहुत ज़रूरत रहती है।
और वो पैसे को नीड को फुलफिल करने के लिए बिल्डर अच्छे प्राइस में लॉन्च करते हैं। ये लॉन्चिंग प्राइस बैंक ऑक्शन की प्रॉपर्टी, रीसेल में जो अर्जेंट सेल की प्रॉपर्टी आती है, वो सब प्रॉपर्टी के हमेशा अपडेट मैं अपने यूट्यूब चैनल प्रॉपर्टी प्लाजा विकास बरनवाल में डालता रहता हूँ। आपसे एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करके रखें ताकि जब भी कोई ऐसे फ़ायदे वाली प्रॉपर्टी मैं अपने चैनल पर डालूँ, सबसे पहले उसको आपको इन्फॉर्मेशन मिल सके, आप उसको परचेस कर सकें, आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकें, आप उसमें फ़ायदा कमा सकें दोस्तों। और अगर आप ज़्यादा यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं कभी अगर रहते हैं तो आप हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9619871855, हमारा दूसरा नंबर है 8070807099, ये दोनों नंबर हमारे व्हाट्सअप पे भी हैं। आप हमारे व्हाट्सअप पे आपका नाम, नंबर, लोकेशन, रिक्वायरमेंट, बजट ये सब पिंग कर दें, लिख के भेज दें। जब भी हमारे पास आपके रिक्वायरमेंट के रिलेटेड अगर कोई प्रॉपर्टी आती है तो हम आपको शेयर भी करते रहेंगे। उसका बेनिफिट ये होगा, सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल पाएगा और आप उसका जल्द से जल्द बेनिफिट ले पाएंगे। ऐसे काफ़ी सारे लोगों को मैंने फ़ायदा कराया है प्रॉपर्टी में, लॉन्चिंग प्रॉपर्टी में, ऑक्शन की प्रॉपर्टी में, अर्जेंट सेल की प्रॉपर्टी में, 10-10, 20-20 लाख, 30-30 लाख रुपया हमारी ओर से कस्टमर को हमने बेनिफिट दिया है। जब अर्जेंट सेल की प्रॉपर्टी आती है तब दोस्तों, फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है तो आप हमारे इस वीडियो को शेयर करें आपके फैमिली और फ्रेंड्स में। फ्रेंड्स, हमारे वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, अलग अलग प्रोजेक्ट पे शूट करना, स्पीच तैयार करना, डायलॉग्स तैयार करना, फिर हम आपको ये प्रेजेंट कर पाते हैं। आपको प्रॉपर्टी परचेस करना है दोस्तों तो आप हमें ज़रूर हमारे इस नंबर पर कॉल करें, हम आपको पूरी हेल्प करेंगे। प्रॉपर्टी परचेस कराने से लेकर टिल पोजिशन तक, होम लोन तक, सारा कुछ हेल्प करेंगे दोस्तों प्रॉपर्टी परचेस करवाने में। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रॉपर्टी और प्रोजेक्ट के इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।